हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भिवानी के पहल कस्बे में कृषि उत्पाद में प्रयोग होने वाली दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज दवाइयों की दुकान का औचक निरीक्षण किया। टीम ने बहल में 10 से ज्यादा दुकानों पर जांच कर सैंपल एकत्रित किए। टीम को लेकर दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति रही तथा दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर इधर उधर हो गए। कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज व दवाइयों की दुकान पर दबिश दी। टीम ने पहले नए बस स्टैंड के पीछे बनी दुकानों पर छापेमारी की। बाद में टीम मेन बाजार एरिया में पहुंची जहां पेस्टिसाइड्स के नमूने लिए। टीम ने पुरानी अनाज मंडी में भी दुकानों का निरीक्षण किया। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने करीब 10 दुकानों पर जांच की। टीम ने यह निरीक्षण इसलिए किया कि किसानों को खेती में प्रयोग होने वाली दवाइयों में किसी प्रकार की नकल न हो तथा उत्पाद सही गुणवत्ता एवं मात्रा वाले हों। टीम के अधिकारी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर यह अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में बहल में खाद बीज व दवाइयों की दुकानों पर गुणवत्ता की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई। जो सैंपल लिए गए हैं उन्हें लैब में भेजा जाएगा, उसके बाद सैंपल फेल आए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज बहल की मंडी में स्पेशल कैंपेन चलाया गया जिसमें दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। अब तक 10 सैंपल हम ले चुके हैं और अभी कार्रवाई जारी है। इन सैंपल को हम यहाँ से लेके लैब में भेजेंगे, लैब को टेस्ट करेगी, 28 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जो सैंपल फेल हो जाएगा उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसकी दवाई को सीज कर लिया जाएगा। आज दीमक के जो दवाई जो गेहूँ लगती है उसके सैंपल करे हैं, खरपतवार की दवाइयों के सैंपल करे हैं और वीडिसाइड के सैंपल करे हैं जो आप रबी सीजन में जो लगते हैं। अभी सैंपल लिए हैं हमने और सैंपल इकट्ठे करके कल हम इनको लैब में डिस्पैच कर देंगे, भेज देंगे। लैब से रिजल्ट आने के बाद फिर पता लगेगा अभी कौन सा सैंपल सही है और कौन सा गलत है। अगर सैंपल में गड़बड़ मिली तो क्या है? सैंपल में गड़बड़ मिली तो दुकानदार के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।